to my YouTube channel. Here is me, Rabia Kashif Khan, and hope you all are doing well. So भाई आज की वीडियो भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है. वैसे तो बहुत सारे लोग बहुत सारी फरमाइशें कर रहे हैं. कुछ लोग कह रहे हैं कि आप गेम शो के बिहाइंड द सीन्स दिखाएं, कुछ लोग कह रहे हैं एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज दें. तो भाई एक साथ तो सब कुछ नहीं होगा. इंशाल्लाह ऐसा ऐसा सबकी फरमाइशें पूरी करूंगी. अब इन फरमाइशों में से एक फरमाइश ऐसी थी जो कि बहुत लोग काफ़ी टाइम से कह रहे थे. अब वो फरमाइश यूँ थी कि जैसे कि आपने वो एड सुना होगा, मेरी मुट्ठी में बन बोलो क्या बता दूँ ना. तो वैसे ही कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि जो मैं बैग कैरी करती हूँ शूट के लिए, उस बैग में क्या क्या है क्या क्या है. तो उसके लिए आपको मेरी फुल वीडियो ज़रूर देखनी पड़ेगी और बहुत मज़ा आने वाला है. तो आइए देखते हैं कि मेरे बैग में क्या है. सो हियर इज माई बैग. एज यू ऑल कैन सी दिस ब्लैक कलर बैग. एंड नाउअडेज दिस बैग इज़ माई फेवरेट बिकॉज दिस कलर इज़ माई फेवरेट और ये काफ़ी बड़ा भी है तो मेरी हर चीज़ आ गई. तो आइए देखते हैं इसके अंदर क्या है. सो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ दिस पावर बैंक. तो पावर बैंक जो है ना, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. इट जस्ट लाइक अ ट्रांसफार्मर. अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या बोल दिया ट्रांसफार्मर क्या. तो भाई ट्रांसफार्मर वो कि जिससे पूरे मोहल्ले की बिजली आ रही होती है. तो ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है. इन केस उस ट्रांसफार्मर में ब्लास्ट हो जाए तो सबकी बिजली आना बंद हो जाती है. तो ये बिल्कुल वैसे ही है कि इन केस इसमें चार्जिंग ख़त्म हो जाए तो सबके मूड ऑफ हो रहे होते हैं. तो मैं पूछती हूँ कि क्या हुआ क्या हुआ क्या हुआ, तो लोग बोलते हैं मोबाइल में चार्जिंग ख़त्म हो गई. तो भाई ये उसका काम करता है और ये पावर बैंक बहुत इंपॉर्टेंट है. तो भाई जब पावर बैंक है तो पावर बैंक के साथ एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए. तो भाई पावर बैंक और डाटा केबल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. ये तो मस्ट होनी चाहिए. तो मेरे बैग में हमेशा होती है ये दोनों चीज़ें, मोस्ट इम्पॉर्टेंट. अब बात आती है उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ की. वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा दिस फेस मास्क जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, और दिस हैंड सैनिटाइज़र. ये दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों के पास हमेशा होनी चाहिए और मेरे पास भी हमेशा होती है. तो मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि भाई कोरोना जो है वो अभी मुकम्मल तरीके से ख़त्म नहीं हुआ है, तो प्लीज़ ये अपने बैग में रखा करें, ज़रूरी है. तो ये मेरे बैग में होता है. तो ये बात हो गई इंपॉर्टेंट चीज़ों की. तो अब बात आती है एक और चीज़ की. वो चीज़ ये है कि दिस शर्ट, यूट्यूबर्स की शर्ट जो कि होती है हमेशा हर हाल में आपके बैग में होनी चाहिए. तो भाई ये जो है ना बहुत प्राउड मोमेंट होता है जब ये शर्ट आप पहनते हो और बैठते हो, तो उसकी तो बात ही अलग है. तो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ मेरी शर्ट कैसी है. तो भाई ये रही मेरी शर्ट, इस पे दानिशर भी बने हुए, हाउ क्यूट. तो मेरी शर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे बैग में हमेशा होती है, कभी मैं भूलती नहीं हूँ और ना कभी भूलना चाहिए. तो ये शर्ट तो हो गई. तो अब बात आती है, वो आपने सुना होगा ना डब्बे में डब्बा डब्बे में के, तो उसकी बात आती है. तो ये मेरा बैग है बड़ा, इसके अंदर एक और चीज़ है. एक और चीज़ ये है कि इसके अंदर एक और मिनी पाउच है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है. इम्पॉर्टेंट तो नहीं, खैर ये मेरे पास हमेशा होता है. तो भाई इसकी बात भी हम करने वाले हैं, इसको अभी साइड पे कर देते हैं, बाकी की चीज़ें देख लेते कि इसके अंदर और क्या क्या है. ठीक है, तो भाई अब बात आती है, मेरे पास है ये बैग. ये बेल्ट आपको नज़र आ रही होगी. अब ये बेल्ट इसलिए मैं रखती हूँ क्योंकि दरअसल कभी मैं बेल्ट लगाना भूल जाऊँ तो भाई एक्स्ट्रा होनी चाहिए बैग में, कि जल्दी जल्दी मैं भूल गई घर पर तो बैग में है तो वहाँ जाके लगा. तो ये इसलिए मैंने रखी हुई है, तो मैं निकालती नहीं हूँ उसे. और अब बात आती है दिस हेयर ब्रश. आप देख सकते हैं ये छोटा सा ब्रश मेरे बैग में होता है कि भाई बाल ख़राब हो गए तो बाल कर लिए, और अभी भी अगर मेरे बाल ख़राब हो रहे हैं तो अब सही हो गए होंगे. तो ये भी मेरे पास हमेशा होता है. बात आती है बॉडी स्प्रे की. ये भी मेरे पास हमेशा होता है, भाई रखना पड़ता है, इट्स ऑल्सो नीड. तो ये बात हो गई. अब बात आती है इसकी, मेरे पास है ये मॉइस्चराइज़र जो कि मैं रखती हूँ भाई इनकेस कभी ड्राई फील कर रहे हो, आपके हाथ ड्राई हो रहे हैं, फेस ड्राई हो रहा है, तो उसके लिए आपको ज़रूरत पड़ती है. तो ये भी हो गया. अब हाँ एक और चीज़ ये भी है मेरे पास, मेकअप रिमूवर, कि भाई कभी आपको इचिंग हो रही है फेस पर, बहुत मेकअप कर लिया तो फ़ौरन मैं उस वक्त साफ कर देती हूँ, तो ये भी मेरे पास रहता है. तो अब बात आती है दिस, आपको नज़र आ रहा होगा कि ये क्या है. तो भाई ये बबल जो कि मेरे पास होती है, कभी कभी मेरा दिल चाह रहा होता है कि यार मुँह खाली है तो मुँह में डाल लो, तो ये उसके लिए. तो भाई एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ अब आपको दिखाती हूँ मैं, ये आपको नज़र आ रहा होगा क्या है, ये लेंस की डिबिया. अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अब ये लेंस की डिबिया है तो एक और चीज़ तो इम्पॉर्टेंट होनी चाहिए ना, दिस वाटर. तो भाई ये दोनों चीज़ें मैं रखती हूँ अपने पास, इन केस कभी कभी ऐसा हो रहा होता है कि आपकी आँख में खटक शुरू हो जाती है और
ज़्यादा कैमरा लाइट्स वगैरह की वजह से आपकी आँख जो रेड हो जाती है, तो उस वक्त आपके पास होना चाहिए कि लेंस आप निकाल लो और ठीक कर लो। और अगर आँखों में खटक हो रही है तो ये पानी भी डाल सकते हैं आप, तो ये भी मेरे पास रहता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे वाह इतनी सारी चीज़ें रखती हैं नबीका, तो भाई ये बैग है ही इसलिए कि इसके अंदर सब चीज़ें आ जाएँ, इसलिए मैंने इसको रखा हुआ। तो अब एक और चीज़ है वो ये है कि दिस पॉकेट परफ्यूम, मेरे पास है पॉकेट परफ्यूम, मैंने स्पेशली लिया हुआ है जे डॉट से क्योंकि ये मेरा फेवरेट है, तो इसे मैं भी अपने पास रखती हूँ। तो ये भी हो गया। अब एक और चीज़ है मेरे पास, वो ये है कि लिप बाम, होंठ ड्राई हो रहे हैं तो फ़ौरन लगा ली, तो ये भी। अब बात आती है दिस बनाना क्लिप। अब ये मैं, आप लोग सोच रहे हो कि बनाना क्लिप मैंने क्यों रखा हुआ है, तो भाई नॉर्मली जो वो पोनी होती है ना वो मुझे सूट नहीं करती, बाल खींचने और वगैरह वगैरह, तो इसलिए दिस बनाना क्लिप इज सो सो फेवरेट फॉर मी, बिकॉज़ ये बनाना क्लिप जो है इसको बस यूँ लगाओ और बाल बन गए, और इसमें ना बाल खींचते हैं ना टूटते हैं, तो इसलिए ये ही मुझे सूट करता है, तो इसलिए मैं यही रखती हूँ अपने पास। तो अब हम निकालते हैं एक और चीज़, वो ये है कि अब आप लोग सोचेंगे कि ये क्या है, गिर तो भाई ये है माउथ फ्रेशनर, जो कि मैं अपने पास रखती हूँ इनकेस कभी चाहिए हो तो, होना चाहिए ना। तो ये भी है मेरे पास। और एक और चीज़ है मेरे पास, वो ये है कि ग्लासेस, सन ग्लासेस, ये भी है तो ये भी है, ये दोनों मेरे पास रहते हैं, कभी ये लगा लिया तो कभी वो लगा लिया, कभी मूड हुआ था कि कुछ भी नहीं लगाया तो ये दोनों मैं अपने पास रखती हूँ। भाई इतना बड़ा बैग है, आप ज़्यादा सामान तो रखना ही है। आपको एक और चीज़ दिखा दूँ कि ये जो है इस बैग में, ये छोटी सी पॉकेट, इसके अंदर मेरे पास रहता है कैश, तो कैश जो होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है भाई, कभी भी नीड हो जाती है इसकी, तो इसलिए रखना चाहिए हमेशा अपने बैग में, तो इसलिए मेरे पास रहता है। तो ये मेरा बैग खाली हो चुका है और सारा सामान मैंने आपको दिखा दिया है, ये सब मेरे बैग में होता है। अब एक चीज़ ज़रूर रह गई है, तो अब बात आती है इस मिनी बैग की। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसके अंदर क्या है, तो अब हम देखते हैं इसके अंदर क्या है। तो भाई इसमें तो मेरा ऑलमोस्ट सारा मेकअप है, अब वो मेकअप मैं आपको दिखा दूँ क्या क्या चीज़ है। दिस हाइलाइटर, जो कि हाइलाइटर नॉर्मली मेरा फेवरेट है, बिकॉज हाइलाइटर से बहुत अच्छा लग रहा होता है, आपकी ग्लो स्किन नज़र आ रही होती है, तो ये मेरे पास रहता है। हाइलाइटर की बात हो गई, अब बात आती है नेल पेंट्स की। नेल पेंट्स भी मेरे पास हैं, ब्लू भी है और ग्रीन भी है, ये मैं ऐसी रखती हूँ कि कभी भी जो मूड हुआ लगा लिया, तो ये भी है। तो अब बात आती है दिस मस्कारा। दिस मस्कारा जो है ये मस्कारा ब्लू कलर का है, तो ब्लू मस्कारा मुझे बहुत पसंद है, तो इसलिए मेरे पास रहता है, क्योंकि ब्लैक तो हम लगाते ही रहते हैं और ब्लैक वहाँ पर भी होता है, तो इसलिए मैं ब्लू रखती हूँ कि कभी लगाना हो तो ब्लू लगाना, कुछ अलग। तो अब बात आती है दीज आईलैशेस। ये आईलैशेस आपको नज़र आ रही होंगी, ये एक्स्ट्रा होती है मेरे पास, एक मैं घर से लगा कर जाती हूँ और एक मैं एक्स्ट्रा ऐसी ही रख लेती हूँ कि भाई कभी भी आपकी आईलैशेस टूट गई तो एक आँख पे लगी हुई, दूसरी आँख पे नहीं लगी हुई, क्योंकि आपके पास होनी चाहिए, तो ये भी मेरे पास रहती है पूरा सेट। तो अब बात आती है दिस, अब आईलैशेस हैं तो ग्लू भी होनी चाहिए, तो मेरे पास ये ग्लू भी है स्वीट टच की, और ये ग्लू बहुत अच्छी है, ट्रस्ट मी इतनी अच्छी है कि मैं आपको बता नहीं सकती, इसको लगाओ तो फिर हटती ही नहीं है। तो भाई अब बात आती है, अब मैंने आपको कहा था कि हर चीज़ है मेरे पास, तो ये भी है फेस पाउडर, जो कि होना चाहिए कभी भी टचअप के लिए, तो ये भी हो गया। तो अभी है मेरे पास लिप पेंसिल भी है, और बहुत सारी लिप पेंसिल भी हैं मेरे पास, तो ये भी मैं अपने पास रखती हूँ कि कभी आपका मूड हुआ पिंक लिप्स लगाने का, तो ये मेरे पास लिप पेंसिल है। और ये ये भी है मेरे पास, और स्टिक भी है मेरे पास, ये दोनों चीज़ें मैं अपने पास रखती हूँ, ताकि क्योंकि कभी कभी वहाँ पे स्टिक लगा रहे होते तो वो ज़्यादा हो जाती है, तो मुझे ज़्यादा मेकअप करना पसंद नहीं है, तो फिर भी एहतियातन भाई हर चीज़ होनी चाहिए आपके पास। तो अब बात आती है इसकी और इसकी, ये दोनों चीज़ें मेरी बहुत फेवरेट हैं, वो इसलिए क्योंकि ये जो है ना टिंट, ये आप अपने लिप्स पर भी लगा सकते हो, आप अपने चीक्स पर भी लगा सकते हो, तो इससे हो जाएंगी आपकी पिंक, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे ये, कि क्योंकि ये इसलिए भी है कि अगर आपने फेस पर कुछ भी अप्लाई नहीं किया हुआ और आप सिर्फ ये लगा रहे हो और आपकी स्किन बहुत ग्लो कर रही है, और ये जो है वो लिप्स पर भी लग जाती है, आपको नज़र आ रही होगी, तो ये दोनों चीज़ें मेरे पास होती हैं और ये मेरी फेवरेट है, तो भाई होंगी क्यों नहीं। तो ये सब हो गया। अब ये मेरे पास जो है ये एक्स्ट्रा नेल पॉलिश है, जो कि नेल कलर मेरा फेवरेट है, बिल्कुल टी पिंक टाइप है ये, तो ये भी है मेरे पास। और एक और चीज़,
तो मैंने जैसे कि आपको बताया कि मस्कारा जो मेरे पास ब्लू भी होता है तो मेरे पास ब्लैक मस्कारा भी होता है। दोनों मस्काराज मेरे बैग में होते हैं, कोई सा भी अप्लाई कर लो जो मूड हुआ। तो ये सब आपने देख लिया, अब ये खाली हो चुका है, इसके अंदर की सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। तो आई होप आप लोगों को बहुत मज़ा आया होगा। तो भाई ये रहा मेरा बैग, पूरा खाली कर दिया मैंने और जो सारा सामान था मैंने आपको दिखा दिया। तो भाई आपको इस वीडियो में नजर आया होगा कि कुछ चीज़ें जो मेरे बैग में थी वो के बहुत इंपॉर्टेंट थी और कुछ चीज़ें जो थी वो ऐसी ही रखी हुई थी। भाई वो ऐसी नहीं रखी हुई थी, उसकी नीड भी कभी भी आपको पड़ सकती है, तो इसलिए सब चीज़ें होनी चाहिए। तो आई होप आप लोगों ने मेरी वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा और बहुत मज़ा आया होगा। इंशाल्लाह ऐसी ही आगे भी बहुत सारी वीडियोस आप लोगों को देखने को मिलेंगी और इस वीडियो को लाइक भी करना और शेयर भी करना और अपने बहुत बहुत सारे कमेंट शेयर करने ताकि मुझे पता चले कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई क्या नहीं आई। तो भाई इंशाल्लाह जो भी होगी आपकी फरमाइशें मैं सबको पूरा करने की कोशिश करूँगी और मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मैं आप लोगों से मिलूंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।